हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर चैनल स्टडी विद माहेश्वरी। चलिए आप लोगों का अपने ही चैनल स्टडी विद माहेश्वरी में स्वागत है। आज है 23 मार्च। आज है 23 मार्च और आज क्या खास है, आज है वर्ल्ड मेडियोलॉजिकल डे। इसके विषय में हम लोग विस्तार से जानेंगे। उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना है। और क्या करना है, आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है और वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जवाब भी देना है। ठीक है, तो आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, जरूर आंसर कीजिएगा कॉमेंट में। चलिए, तो वर्ल्ड मेडियोलॉजिकल डे जो है इसको कहते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ था, इसका उत्पत्ति विश्व मौसम विज्ञान संगठन के स्थापना के कारण हुआ था। ठीक है, यह दिन जो है पृथ्वी के वातावरण के महत्व, यानी पृथ्वी का जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसका इम्पोर्टेंस और एक दूसरे से जुड़े लोगों के व्यवहार पर प्रकाश डालता है। यह डे हम लोगों को क्या बताता है, जो हमारा पृथ्वी से जो भी जुड़ा एनवायरनमेंट है, जो भी जुड़ा वातावरण है, पर्यावरण है, उसका क्या हाल समाचार है, नहीं ये बताता है हम लोगों को। और क्या, और यह दिन जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो था विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये जो था ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के का स्थान लिया था, है ना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO इंटरनेशनल मेडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्थान लिया था। IMO जो था पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो मौसम का जानकारी, मौसम की जानकारी देने के लिए बनाया गया था, स्थापित किया गया था। इसका स्थापना 1873 में हुआ था। ठीक है, ये प्रत्येक राज्य देश का सीमाओं का जानकारी रखता था। इसका स्थापना कब हुआ था, 1873 में। इसने क्या किया, इसके जगह पे क्या हुआ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ले लिया। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना कब हुआ, इसका स्थापना हुआ 23 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, प्रस्तावित हुआ, लेकिन ये जो है एक संयुक्त एजेंसी के रूप में, एक बहुत बड़े संगठन के रूप में कब हुआ, 1951 में हुआ, यानी 1951 में हुआ। 1951 में मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के लिए यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी बन गया। कौन, WMO। कब बना, 1951 में। इसका काम क्या था, यह लोगों की सुरक्षा और कल्याण में योगदान देता था। ठीक है, और क्या करता था, खाद्य सुरक्षा, जल संसाधन और परिवहन उपलब्ध कराने में भी योगदान देता था। कौन, WMO। किसका स्थान लिया था, IMO का स्थान लिया था। ठीक है, तो जैसे ही इसका स्थान इसने लिया तो इसका काम खत्म हो गया, इसका सारा काम इसने करना शुरू कर दिया। और क्या किया, और भी नया काम इस पे बोझ दिया गया, यानी नया काम और भी इसे दे दिया गया, है ना। तो ये जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये जो है पर इसके स्थापना के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मेडियोलॉजिकल डे मनाते हैं, यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। और ये जो है विभिन्न विषयों के साथ मनाया जाता है, प्रत्येक ईयर अलग अलग विषयों के साथ मनाया जाता है। और ये डे जो है हम लोग कब से मना रहे हैं, ये डे हम लोग 23 मार्च 1961 से मना रहे हैं। कौन सा डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस,
WMD। ये डे हम लोग कब पहली बार कब मनाए थे? 23 मार्च 1961 में, यानी 23 मार्च 1961 में। और इसका थीम यानी विषय 2021 का क्या था? द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। ये क्या करता था, ये थीम किस चीज के लिए काम करता था? महासागर, जलवायु और मौसम संबंधित जानकारी को विस्तार पूर्वक बताता था, ठीक है। उसके बाद 2022 का यानी इस साल का 2022 का थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। यह क्या करता है? यह आपदा जोखिम में कमी के लिए जल मौसम विज्ञान एवं जलवायु सूचना के महत्व पर प्रकाश डालता है। अब देखिए, आप लोग देखते होंगे जो जैसे ही मान लीजिए आंधी तूफान वगैरह आने वाला रहता है तो हम लोगों को पूर्व सूचना मिल जाता है, पहले से अलर्ट कर दिया जाता है जो वहां से ये तूफान उठा है और क्या कहते हैं, और आप लोग सभी को अलर्ट हो जाइए। अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा तूफान आया था, उसका नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा था, आ रहा है कहां सबसे ज्यादा कहां पे क्षति हुआ था उसके कारण, केरल और वेस्ट बंगाल में, नाम तो अभी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें सब चीज को अलर्ट करने के लिए कहा था, है ना। तो इसका जानकारी सब हमें कौन देता है? हमें विश्व मौसम विज्ञान संगठन देता है इसकी जानकारी। और इसी का जो स्थापना हुआ था उसी के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन बनाते हैं। ये जो है ये 193 कंट्री में काम करता है, इसका सदस्य देश जो है 193 कंट्री है, उसमें अपना इंडिया भी है, ठीक है। तो आज क्या है? आज विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और आज का क्वेश्चन क्या है, जो सबसे पहले विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आप लोगों को कहां करना है? कमेंट में करना है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर करना है। चलिए, आज है 23 मार्च और आज शहीद दिवस भी है। शहीद दिवस विभिन्न तिथियों में मनाया जाता है, विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के शहीद होने के शोक में मनाया जाता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के डेथ एनिवर्सरी में भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पे भी मनाते हैं जो 30 जनवरी को आता है, उसको भी शहीद दिवस कहते हैं, है ना। तो ये शहीद दिवस जो है भगत सिंह और उनके दो साथियों, उनको फांसी की सजा दी गई थी उसके उपलक्ष्य में हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। तो 23 मार्च को क्या है? शहीद दिवस भी है, ठीक है। तो चलिए, आज इतना ही, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज का जो क्वेश्चन है क्या है, जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।